हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई भी गिवन इक्वेशन हमें चेक करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो हम आपसे वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब से वेदिक गुरुज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 फोर्थ चैप्टर, जो हमारा नाम है, जिसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री समझते हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, और हमें चेक करना है कि डिग्री 2 है या नहीं। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर The following are quadratic equations or not. तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x - 3। तो सबसे पहले जो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है हमें इसको ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है। तो लेट्स ओपन इट। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2 x (x) 1 2x इज इक्वल टू, ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x - 2 × 3 = 6। तो देखिए ये प्लस 2x, ये प्लस 2x कट गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आके प्लस 1 बन जाएगा, फिर से प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ गया। इसकी देखिए एक्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर एक्स की एक ही है, और वो है टर्म एक्स की एक है लेकिन उसकी पावर 2 है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस एक्सप्रेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको डिग्री बोलते हैं, यानी एक्स की डिग्री जब 2 होती है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ डिग्री चेक करनी है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखिए माइनस 2 से ब्रैकेट ओपन करने, -2 × (-3) - 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। दोनों टर्म्स इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इधर आके प्लस 6 प्लस 2x इधर आके -2x इक्वल टू 0। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6। चेक करने से पहले आपने एक्सप्रेशन को पूरा सिंप्लीफाई करना है। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, एक दो दो टर्म्स हैं एक्स की, दोनों में हाईएस्ट पावर टर्म जो है वो ये है 2। तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 2। तो इसका मतलब यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए, आप लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट कर रहे हैं, हमें एक्सप्रेशन गिवन है एक्स माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 x + 3। चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब डिग्री चेक करनी है 2 आएगी या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर फिर 1 से करेंगे तो प्लस 1x, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -2 को 1 से करेंगे -2 इज इक्वल टू, यहां भी ओपन करना एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस 3 से करेंगे तो प्लस 3x, फिर -1 से -1x, और -1 × 3 -3। क्या आया सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1x -1x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक x गया 2x -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है। सारी टर्म्स इधर ले आइए, -1x -2 ये -2x हो जाएगा इधर आके, और -3 बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए -1x और -2x क्या बना, -3x -2 +3 +1 इक्वल टू 0। ये फाइनल एक्सप्रेशन बचा, इसमें x की एक ही टर्म है और उसकी पावर कितनी है 1। तो नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 नहीं आई, डिग्री 1 आई है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए फोर्थ पार्ट की ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, फिर प्लस 1 से प्लस 1x, अब -3x को 2x से मल्टीप्लाई करना -6x, और -3 को 1 से करेंगे तो -3 इज इक्वल टू, यहां भी ओपन कर देते, देखिए x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सारी टर्म्स एक तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर इन दोनों को देखते हैं, 1x -6x -5x -3, ये एक्स स्क्वायर इधर आके -x² और +5x इधर आके -5x इज इक्वल टू 0। तो 2x² और x² माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा 1x²
-5x -10x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बच के देखिए, इसमें दो टर्म्स हैं x वाली और हाईएस्ट पावर टर्म जो है डिग्री होती है वो कितनी है यहाँ पर 2। तो x की जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो 2 है x स्क्वायर, तो इसका मतलब डिग्री 2 हुई, देयरफॉर यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देंगे आप यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, दो ब्रैकेट्स दी हुई है, दोनों को ओपन करना पहले। 2x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x स्क्वायर, फिर -3 से -6x। अब -1 को x से करेंगे तो -1x और -1 को -3 से करेंगे तो +3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर -1 से करेंगे तो -1x, +5 को x से करेंगे तो +5x और +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। क्या बचेगा? 2x स्क्वायर -6x -1x -7x +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये +5x -1x कितना बच गया? +4x -5। सारी टर्म्स इधर ले आइए आप, क्या बचेगा? 2x स्क्वायर -7x +3, इन सब के साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस हो जाएगा, +4x -4x -5 इधर आके +5 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर, क्या बचेगा? x स्क्वायर -7x -4x -11x और +3 +5 +8 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन बच गया फाइनल। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर टर्म x की ये है 2, यानी डिग्री 2, और जब डिग्री 2 होता है तो क्या होता है? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए, आपने लिख देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि डिग्री 2 है। सिक्स पार्ट देखिए इसी तरह से, लेफ्ट साइड पे हमें यही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखा है। इसको ओपन करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिख रहा हूं देखिए आपके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये अप्लाई कर देंगे यहां, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 मल्टीप्लाई टू 4 यानी माइनस 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां भी पॉजिटिव का, यहां भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए, क्या बचा? 3x प्लस 1, ये सारे टर्म्स इधर ले आइए, प्लस 4 इधर आके बनेगा माइनस 4 और माइनस 4x इधर आके बनेगा प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4x कितना बन गया? 7x, और इन दोनों में से 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 7x माइनस 3, x की हाईएस्ट पावर टर्म 1 ही है सिर्फ, तो डिग्री 1 हुई। इसका मतलब नो इट इज नॉट ए क्वालिटी इक्वेशन, ये क्वालिटी इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री 1 है, इट इज नॉट ए क्वालिटी इक्वेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेवंथ पार्ट कर रहे हैं, देखने में क्यूबिक लग रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब गिवन है क्योंकि, पर ओपन करेंगे हम पहले, सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ये हम अप्लाई करेंगे यहां पर। हमारे पास a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2, वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 2, ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब और -1 से करेंगे तो -2x। ये क्या आएगा? देखिए x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 3 टू 6x, x प्लस 2 सेम ब्रैकेट इज इक्वल टू 2x क्यूब -2x। फिर से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 8 प्लus, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब -2x। सारी टर्म्स इधर ले आइए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का बन जाएगा 2x क्यूब और -2x प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये एक्स क्यूब है प्लस का और ये माइनस का है 2x क्यूब, तो बचेगा -1x क्यूब, ये प्लस 6x स्क्वायर, x वाली दो टर्म्स है हमारे पास 12x प्लस 2x दोनों ऐड हो जाएंगी 14x और प्लस 8 अलग से बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बचा, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है? 3, तो मतलब डिग्री कितनी आ गई? 3, तो डिग्री 3 वाली क्यूबिक इक्वेशन होती है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक चेक करनी है। तो लिख देंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी द 8th पार्ट।
यहां पर भी वही है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, और एक्स माइनस टू होल क्यूब है, तो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेंगे, लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, अगेन ए के प्लेस पे एक्स है, बी के प्लेस पे टू है, सिंपल अप्लाई कर देते हैं, देखिए एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब माइनस थ्री, ए के प्लेस पे एक्स, बी के प्लेस पे टू, और ए माइनस बी के प्लेस पे एक्स माइनस टू, ओपन कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस टू का क्यूब क्या होता है एट, माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस टू सेम रहने देते, फिर देखिए क्या आया, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस सिक्स एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस सिक्स एक्स को माइनस टू से करेंगे तो प्लस साइन हो जाएगा ट्वेल्व एक्स, अब देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब इधर है, इधर भी प्लस का एक्स क्यूब है, सेम टर्म है सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स इधर ले आइए, माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जब सारे टर्म्स इधर आएंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस एट बनेगा प्लस एट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस ट्वेल्व एक्स बनेगा माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या बचेगा, ये प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का फोर एक्स स्क्वायर है यानी टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स ये माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन एक्स, और वन प्लस एट नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन बचा, हाइएस्ट पावर टर्म देखिए एक्स की टू है, मतलब डिग्री कितनी हुई टू, तो लिख देंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए स्टार्टिंग में क्यूबिक लग रही थी देखने से स्टेटमेंट में, लेकिन सॉल्व करने पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये थी क्लास टेंथ की इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको सभी पार्ट सॉल्व करके दिखाए, और ये चेक किया कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, कब होता है जब उसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझने हैं सभी क्वेश्चंस, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्लास टेंथ के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, अंत में वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।